हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ और उनसे हम बात करते हैं उन्नीस की यादें उनके साथ बातचीत करते हैं उसको लेकर सर मैन ऑफ द मैच इन सेमी एंड इन द फाइनल्स 38 इयर्स हो गए हैं क्या आपको तस्वीर याद आती है उस 1983 वर्ल्ड कप की नहीं अब तक ऐसे लगता है जैसे कल ही गुजरे हैं थर्टी एट ईयर्स कुछ बहुत ऐसा नहीं लगता कि इतना वक्त गुजर गया है और खासकर जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तो मेरे ख्याल से ये ग्रेट ओकेजन है ग्रेट फन है और ये यादें ताज़ा हो जाती हैं हंसी मजाक जैसा पहले हम करते थे आई थिंक हम वो थर्टी एट ईयर्स पीछे चले जाते हैं हम सब और जिस तरह पहले बिहेव करते थे वही सब यादें वापस आती हैं तो अच्छा लगता है मिल मिलकर सर प्रिपरेशन आपने कैसे की थी उन्नीस वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि इंडिया को अंडर टीम माना जा रहा था नहीं कोई नहीं कोई प्रिपरेशन नहीं होती थी <laughs> उन दिनों में बस जाके हम लोग खेलते थे और वो थे कहते हैं ना टेक योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड वाली बात है कि आप जब वो ग्राउंड पे चले गए तो आप अपने खुद मालिक हैं और तो इसी तरह से हम सब इसी तरह से खेलते थे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कुछ नहीं और बिकॉज इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दिया जाता था तो मेरे ख्याल से इट वंडर्स टू वेरी ऑनेस्ट और उसी से हिसाब से हम लोग ये वर्ल्ड कप जीते सर आप सीनियर मेंबर थे जैसे कपिल पाजी ने भी बोला कि आपसे बहुत कुछ सीखते थे तो जब सर 183 रन सिर्फ बने थे टोटल में और वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी बड़ी टीम थी तो ड्रेसिंग रूम में क्या कुछ बात हुई इस दौरान नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती थी एक्चुअली हम लोग हमने हमें ही मालूम था कि वो रन स्कोर बोर्ड पे हैं और वो उनको करने हैं और कंडीशन एक्चुअली मेरे ख्याल बॉलर्स की फेवर में थी तो वी जस्ट वांटेड कि हमें स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो जब वो स्टार्ट मिल जाता है तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखते तो मेरे ख्याल जितने भी बॉलर्स थे आई थिंक दैट इट ए वंडरफुल जॉब क्योंकि ये वर्ल्ड कप अगर देखें आप तो ये बॉलर्स का वर्ल्ड कप था इंडियन टीम के लिए जितने भी सीम बॉलर्स थे रॉजाबिनी की बात करें मदन लाल की वो जैसे अनसंग हीरो जिनको हम बोलते हैं तो ये दो थे मेन कपिल कोर्स बलविंदर सिंह संधू और जब भी किसी बैट्समैन की ज़रूरत होती थी वो वह एन मौके पे आके परफॉर्म करता है तो वही एक टीम की परफॉर्मेंस बनी जिससे हम वर्ल्ड कप थे सर आपने कहा कि आपने अपने फादर को फ़ोन किया था जो ग्रेट बैट्समैन थे इंडिया के फर्स्ट मैच में उनकी सेंचुरी थी तो वो कुछ मोमेंट शेयर करिए क्या बात नहीं एक्चुअली बिकॉज नहीं थाट आया था मेरे बिकॉज uh, वक्त तो नहीं था वहाँ पे कोई ग्राउंड पे बात करने क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक हम ग्राउंड पर थे सेलिब्रेशन वगैरह चल रही थी वहाँ पे और uh, तो बिकॉज uh, मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये थी कि जो मेरे ड्रीम थे वो पूरे हुए और शायद ये भी उनका ड्रीम होगा कि जो ये ड्रीम मैं एक अचीव कर सकूँ तो वो मेरे एक तरह से गुरु थे एक तरह से फादर थे कोच थे मैंटर थे तो जो कुछ भी मैंने हासिल किया है जीता है तो ये उनकी बदौलत सर लास्ट सवाल मेरा आपसे कि हम जब भी 1983 वर्ल्ड कप की तस्वीरें देखते हैं तो एक आपकी रेस बड़ी याद आती है <laughs> तो वो यूसन बोल्ट से तेज रही होगी शायद उस समय क्या जिंदगी में इतना तेज कभी नहीं भागा <laughs> क्योंकि वो क्राउड मुझे नजर आ रहा था ग्राउंड पे तैयार थे सब आने के लिए तो मैंने कहा अपनी सेफ्टी पहले देख लो और बट इट वाज ग्रेट ग्रेट्रेट मोमेंट्स एक्चुअली सर अलाउ कर देते थे, थे सारे क्राउड आ जाते थे नहीं वो सिस्टम अलग था वो नीचे बैठते थे ग्राउंड पे बैठते थे और ऐसा तो वो कल्चर था उस टाइम उस, उस तरह खेल का उस तरह डिफरेंट था तो वो मेमोरीज हैं आई थिंक ये आपके साथ सारी उम्र रहती है थैंक यू सर ओके तो ये थे भारत के महान ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ जिनका कहना था कि जश्न एक अलग तरीके का था फीलिंग्स एक अलग तरह की थी और उस लम्हे को वो कभी नहीं भूल सकते वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रवीश न्यूज़ नेशन दिल्ली